लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में आयोजित होगी। बैठक में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को लेकर मंथन होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अन्य विपक्षी दलों को न्योता भेजा। देखने वाली बात यह होगी कौन कौन से दल पहुंचते हैं इसमें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सहयोगी हरेंद्र चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, विपक्ष तो अब तक ये सवाल खड़ा करता रहा था कि ईवीएम में कहीं ना कहीं खामी है और लगातार फायदा बीजेपी को पहुंचाया जा रहा है। आज की ये बैठक किसका इस बात को और पुख्ता कर देती है, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के इस न्योते को कितने दल स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए जब 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया तो उस वक्त तमाम जो विपक्षी दल थे जिसमें सपा और बसपा शामिल थी कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और ईवीएम में धांधली की बात उनकी तरफ से कही गई थी और चुनाव आयोग में भी बाकायदा लिखित में इसकी शिकायत की गई थी और बसपा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के मामले को बसपा जो है लेके गई थी और आज उसी मुद्दे पर एक आम सहमति बनाने के लिए जो विपक्षी दल है खासकर सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से पहल की गई है। अखिलेश यादव ने खुद ये पहल करी और तमाम जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के उनको आमंत्रित किया है कि ईवीएम जो गोरखपुर और फूलपुर का जो आगामी जो लोकसभा उपचुनाव है वो ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए एक आम सहमति बनाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से एक सहमति की गई है। 12 बजे जनेश्वर मिश्र कार्यालय में ये बैठक जो आयोजित की गई है और इसमें जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से जो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम जो वाम दल है उनके जो प्रदेश इकाई है उनको न्योता दिया गया और उनसे उम्मीद की गई है कि इस मुद्दे पे बैठक में शामिल होके और इस जो मंथन आज जो ये होने जा रहा है कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की जो मांग है उसको लेके एक आम सहमति जो बनाई है उसमें अपना विचार करें। तो कई बार ये मांग खारिज हो चुकी है वैसे, लेकिन विपक्ष लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बैलेट पेपर से अब चुनाव कराने की मांग हो रही है दो लोकसभा उपचुनावों के दरमियान। देखने वाली बात होगी कितनी पार्टियां समाजवादी पार्टी के इस न्योते को स्वीकार करती हैं।